प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटीज काउंसिल में समुद्री सुरक्षा पर होने वाली ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5:30 बजे होगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यूनाइटेड नेशन सिस्टम और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के हाई लेवल ब्रीफर्स हिस्सा लेंगे। ये प्रोग्राम यूएनएससी की वेबसाइट पर लाइव किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े 45 स्थानों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए के अधिकारियों ने 14 जिलों में जमात इस्लामी के सदस्यों के घेरों पर छापे मारे। 2019 में केंद्र सरकार ने जमात इस्लामी संगठन को प्रो पाकिस्तान और प्रो सेपरेटिस्ट लीनिंग के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। मुंबई में कई दिनों के इंतजार के बाद आम लोग लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बताया कि 15 अगस्त से लोकल ट्रेन में आम लोग सफर कर सकेंगे। हालांकि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही ये सुविधा मिलेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की, साथ ही कहा कि हम लोकल ट्रेनों को 24 घंटे चलाना चाहते हैं, इन्हें बंद करना उपाय नहीं है। देश में कोरोना के नए मामले रोजाना 40,000 से ज्यादा आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि अगस्त में ही तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो आंकड़े राहत देने वाले हैं। 1 मई से 1 अगस्त के बीच देश के कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में 18.9% की गिरावट हुई है। दूसरी लहर आने से पहले 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच इस रेट में 5.7% का इजाफा हुआ था। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के केस में मामूली कमी आई है। रविवार को 36,028 नए मरीज मिले, 39,828 ठीक हुए और 447 संक्रमितों ने जान गंवाई। ये लगातार तीसरा दिन था जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक हुए। इससे पहले 6 अगस्त को 38,705 मरीज मिले थे और 40,026 ठीक हुए। 7 अगस्त को 39,068 केस आए और 43,935 रिकवर हुए। दुनिया में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में संक्रमण के 6,93,000 नए मामले दर्ज हो रहे हैं। इस दौरान 4,55,000 लोगों ने बीमारी को मात दी है और 10,139 संक्रमितों की इससे जान गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। टेंट ब्रिज में खेले गए इस मैच में आखिरी दिन बारिश की वजह से एक भी बॉल का खेल नहीं हो सका। भारत को आज 5वें दिन के खेल में मैच जीतने के लिए 157 रन बनाने थे। मैच के 4थे दिन इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 303 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। इस तरह भारत को मैच जीतने के लिए 209 रनों का टारगेट मिला। देश के कई हिस्से इन दिनों बाढ़ का सामना कर रहे हैं, कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान का कहना है कि अगले 4-5 दिनों तक पूर्वी हिमाचल के कुछ हिस्सों पे भारी बारिश हो सकती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी हल्की से भारी बारिश की संभावना है। आज लगातार 23वें दिन ईंधन के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें, इससे पहले हुई लगातार बढ़ोतरी के चलते सिर्फ 42 दिनों में ही पेट्रोल 11.52 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ये बढ़ोतरी मई से शुरू हुई थी, जिसमें बीच बीच में स्थिरता भी देखने को मिली। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। सेंसेक्स 54,385.71 पर और निफ्टी 16,281.35 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 54,509 और निफ्टी 60 अंक तेजी के साथ 16,298 पर कारोबार कर रहा है।